आदाब नाजरीन, मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी। अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी। हमजा कलेक्शन, हमजा कलेक्शन। और लिव अब्रॉड, लिव अब्रॉड। आए नाजरीन, रुक करते हैं खबरों की जानिब। आखिरकार रहमत नगर आर्म्स फैक्ट्री कांड के मुलजिम जावेद हुसैन को किया गया गिरफ्तार। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 83 के जिस घर में गैर कानूनी तरीके से हथियारों के गोरख धंधे चल रहे थे, उस घर के मालिक जावेद हुसैन समेत जावेद की बीवी फरजाना और दो मिस्त्री फिरोज और तनवीर, जो कि मुंगेर बिहार के बाशिंदे बताए जा रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि छापामारी के दौरान जावेद के घर से कई तैयारशुदा हथियार के साथ अधूरे हथियार भी बरामद किए गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जावेद अकेले ही इन मजदूरों के साथ मिलकर ये अवैध धंधा चला रहे थे, या फिर इसके पीछे किसी और का भी है। खैर, ये जांच का विषय है, लेकिन इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करने में एएसआई सुर अली और इनके सहयोगी सीपीबीएफ के नौजवानों ने नुमाया किरदार अदा किया, जिनकी वजह से इस गोरख धंधे का भांडा उठ सका। सामने ঘটনা ঘটলো, কিরকম লাগছে আপনাদের? খুব খারাপ লাগছে। আপনারা এখন কি চাইছেন? এরকম লোক না থাকা ভালো।
कार्ड में इस तरह घटना घटा कौदिन पहले भी घटना घटा था, फिर कुल्टी में दो को आर्म्स कारखाना उधर फिर यहाँ इस तरह जो घटना घट रहा है, आप लोग क्या लग रहा है? अच्छा नहीं है, इससे इलाका का बदनामी होता है, लेकिन ये घटना हुआ है, हम लोग भी दुखित है कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है, इसको तो रोक नहीं सकते। हम पुलिस को बहुत अच्छा कहेंगे कि पुलिस पकड़ा, अगल बगल का बासिंदा बहुत अच्छा चाहता कि पकड़ाया और उसको सजा मिले। ऐसा जो घटना हुआ है ये देशद्रोही वाला काम है, आंख बनाना, नकली नोट छापना, ये सब तो देशद्रोही का काम है। तो इस तरह जो इलाके में आतंक फैल जाएगा, जो बार हाँ, आतंक तो फैल रहा है, इसको हम लोग देखेंगे, फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे कि मैंने ऐसा घटना आगे नहीं हो। क्या वो अपना घर था क्या? हाँ, उसका अपना घर था। दो आदमी तो बाहर से आता था? नहीं नहीं, चार आदमी बाहर से था। हाँ। दो आदमी पकड़ा गया, दो आदमी भाग गया। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बहुत दिन से बासिंदा है यहाँ, ये आज का नहीं है, यहाँ पैदा भी यहीं हुआ है। तो इस तरह जो घटना घट रही है तो इलाका में और भी हो सकता है इस तरह घटना? अगर ऐसा होगा तो इस पर हम लोग का नज़र है, ऐसा घटना होगा तो उसके पहले ही हम लोग पुलिस को सूचित कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम अहमदुल्ला खान, वार्ड 63 नंबर 1। रियासती हुकूमत की जानिब से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम। आपको बता दें कि रियासत के फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के कमिश्नर तपन कांत रुद्रा के जरिए जारी की गई नोटिस के जरिए आने वाले 7 नवंबर से पूरे रियासत में कहीं भी पान मसाला व गुटखा वगैरह की बिक्री नहीं की जाएगी। चूंकि ये तमाम चीजें सेहत और समाज के लिए नुकसानदायक है, इसलिए ये कदम उठाया गया। फिलहाल ये रोक 1 साल के लिए रहेगी। वहीं रियासती सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए साबिक मेयर व बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि गुटखा पान से न सिर्फ इंसानों की सेहत खराब होती है बल्कि जहां तहां थूकने से शहर भी गंदा होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में उन्होंने भी कुछ इसी तरह का फैसला लिया था, तब टीएमसी के ही कुछ नेताओं ने उनके इस फैसले की मुखालफत की थी, जिस वजह कर उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या अब वो लोग आसनसोल के लोगों से माफी मांगेंगे। आगामी 7 नवंबर थी के गुटखा पान मसला बा निकोटिन युक्त विभिन्न पदार्थ निषिद्ध होच्छे, राज्य सरकार निषिद्ध करछे, एटा जेने भालो लागछे। किन्तु एकटा प्रश्न रही गेल যে 2018 সালে একই সিদ্ধান্ত যখন আমি নিয়েছিলাম আসানসোল মেয়র হিসাবে, তখন তৃণমূল কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা যারা এর বিরোধিতা করেছিলেন তাদের কাছে প্রশ্ন থাকলো, আজকে তারা কি আসানসোলের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন যে তাদের বিরোধিতায় ঠিকভাবে আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিনি? भाजपा नेत्री व समाज सेविका सुधा देवी ने छोड़ी बीजेपी। उन्होंने 30 जून को अपने ओहदे भाजपा के आसनसोल जिला सेक्रेटरी और क्राइसिस मैनेजमेंट से इस्तीफा देकर कहा था कि अब वो सिर्फ भाजपा की कार्यकर्ता बनकर रहना चाहती हैं। लेकिन कल शाम होटल आरएल पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पूरी तरह से पार्टी छोड़ राजनीति से दूर जाने का ऐलान किया और कहा कि अब वो सिर्फ समाज सेवी बनकर लोगों की मदद करना चाहती हैं, जिसके लिए राजनीति जरूरी नहीं। 2013 नवंबर दिसंबर के समय से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन किया और लगातार पार्टी के लिए मैं काम करती रही, लेकिन आज मैं काफ़ी सोच विचार के बाद, विधानसभा इलेक्शन के बाद से जो परिस्थितियां हैं और उसको देखते हुए काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी से पद त्याग कर रही हूँ, पूरी तरह से भाजपा को छोड़ रही हूँ। क्यों? कारण? कारण देखिए, कारण क्या है, कुछ तो संगठन का देख ही रहे अवस्था आप लोग। विधानसभा इलेक्शन के बाद इतना दिन हो गया, अभी भी पश्चिम बंगाल में भाजपा का संगठन ठीक हुआ नहीं। इतनी बड़ी हार के बाद भी अभी भी कुछ भी नहीं है। आसनसोल में तो स्थिति बहुत ख़राब है, संगठन बोल के और कौन गार्जियन है, क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, 6 महीना से पार्टी अपने मन से बस चल रही है। कुछ 2-4 लोग हैं जो लोग ही ऑल इन वन हैं, उसके अलावा हम लोगों का कोई वजूद नहीं है। 8 साल संगठन को देने के बाद भी आज ये स्थिति है कि अपना कोई वजूद नहीं है। थोड़ा इस वजह से बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ रहा है और सच पूछिए तो विधानसभा इलेक्शन के बाद से
राजनीति से ही मन टूट गया। और पार्टी ज्वाइन कीजिएगा? नहीं, राजनीति में किसी भी दल में नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है आपका बाद में जो पार्टी ज्वाइन किया उनको पोस्ट मिला आपको नहीं मिला? नहीं देखिए, उन सब बातों पे मैं, सुधा देवी ने कभी पोस्ट के लिए, पद के लिए, राजनीति हो चाहे सामाजिक काम हो, कभी इन सब चीज़ों के लिए कुछ सोच के किया ही नहीं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। दिल से काम किए थे, संगठन के लिए भी, दिल से समाज के लिए भी काम किए थे, बहुत मेहनत किए थे। मेरे घर में मेरे साथ क्या घटना हुई है आप लोग हमसे अच्छा से जानते हैं। उसके बाद से लगातार मेहनत किए हैं, लड़ाई किए हैं। आज 2021 में जो चुनाव हुआ, जिसमें लोग बोल रहे थे कि भाजपा आएगी भाजपा आएगी, 2011 से उस संगठन के सर 21 में जो चुनाव हुआ जिसमें लोग बोल रहे थे कि भाजपा आएगी 2011 से उस संगठन के से हम लड़ रहे हैं उसके कुछ लोगों से, और यही हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और हमेशा से कहीं कहीं नाकाम हुए, नहीं तो अपने मकसद में हम आगे ही बढ़े हैं। हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति से ही जब मन टूट गया तो ये दल क्या और वो दल क्या, हर दल। इसी तरीके से तो बाबुल सुप्रियो ने भी बोला था और जितेन तिवारी ने कि हम लोग किसी दल में नहीं जाएंगे, राजनीति छोड़। आप भी आसनसोल में, आप भी आसनसोल में हैं, हम भी आसनसोल में हैं। हाँ, सामाजिक काम करेंगे जैसे पहले करते थे। किसी को जवाबदेही नहीं रखना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जवाब देना पड़ता है, छोटी छोटी बातों के लिए किसी को क्या सुनना पड़ता है, वो अब अच्छा नहीं लग रहा है। आप किस पद पे थे? हम भारतीय जनता पार्टी में आसनसोल जिला में दूसरी बार सेक्रेटरी थे। तो ऐसा क्या घटना घटा कि आप ये लेके तीसरी बार बोल रहे हैं पार्टी छोड़ने की बात? नहीं, बस कुछ ऐसा कुछ तो हुआ जो इस बार फैसला कर लिए। जिस संगठन में 8 साल काम किए उस संगठन के या उस संगठन के लोगों के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, कुछ बोलेंगे नहीं। सबके साथ एक दिन बैठे हैं, काम किए हैं, मिचिल किए हैं, आंदोलन किए हैं, लड़ाई किए हैं, जेल गए हैं, केस खाए हैं, और आज यदि मन कहीं टूटा है तो उनको हम गाली दें ये मेरी फितरत नहीं है, लेकिन है कुछ वजह, बस अब इच्छा लेंगे। मोदी जी को दिल से मानते हैं, योगी जी को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। भारत हिंदू धर्म के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। मोदी जी को कभी नहीं, मतलब मोदी जी नहीं तो देश का तरक्की नहीं, ये हम हमेशा उनके समर्थन में हमेशा रहेंगे। लेकिन अब भाजपा नहीं करेंगे, ना तो सड़क पे उतर के, ना ऑफिस में बैठ के, कहीं नहीं। बोल रहे हैं मैडम आप ये छोड़ रही है भाजपा बोल रहे हैं, तो ये त्यागपत्र के विषय में किसी को जानकारी दिए हैं या त्यागपत्र भेजे? नहीं, त्यागपत्र हम दे किसको? मेरे यहाँ आसनसोल में कुछ संगठन ही नहीं, हमको समझ में ही नहीं आता है। ना जिला प्रेसिडेंट कोई है, कोई कोई बोल दो दो आदमी जिला प्रेसिडेंट बोलते हैं, कुछ नहीं है, संगठन के नाम पे जीरो हो गया है, इसलिए डायरेक्ट हम। नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। বিরিয়ানি নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি, মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए
लीव एब्रॉड। जी हाँ, लीव एब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहाँ आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे, करियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लीव एब्रॉड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लीव एब्रॉड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लीव एब्रॉड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेष कर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्से करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पॉल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन वर्ल्ड टॉप नोट चेलमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इनक्यूबेटर अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं के कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड आविष्कार बिल्डिंग 3rd फ्लोर आसनसोल। जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार कुरैसी मोहल्ला नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 66 के तहत कुल्टी के बल तोड़िया में साबिक काउंसलर खालिद खान लाइब्रेरी कोचिंग का इफ्तिताह किया गया। आज साबिक MLA व तृणमूल के जिला चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी ने इसका इफ्तिताह किया। इस दौरान बराकर फाड़ी प्रभारी शीतल नाग खास तौर से मौजूद थे। वार्ड नंबर 66 के सदर बद्रे आलम की देखरेख में मुनाकिद इस प्रोग्राम के दौरान उज्जवल चैटर्जी ने कहा कि अब लोग ये परंपरा भूल चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक है और वो किताबें खरीद कर पढ़ते हैं, और इसी वजह से इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया ताकि तालिब इल्मों को पढ़ने में आसानी। इस मौके पर फिरोज खान समेत कमेटी के दिगर अराकीन मौजूद थे। यहाँ पर जो है क्या कार्यक्रम किया? आज हम लोगों ने यहाँ पे खालिद खान कोचिंग सेंटर एंड लाइब्रेरी का ओपनिंग हुआ, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन IDD के वाइस चेयरमैन हमारे उज्जवल दा हमारे चाहिदा नेता के हाथों से ये उद्घाटन हुआ। तो जो है आगे की क्या रणनीति इस कार्यक्रम पर रहेगी? बस आगे हम लोगों को जिस तरीके से मोहल्ला का और हमारे चेयरमैन का सपोर्ट मिल रहा है, उस तरीके से हम लोग आगे भी इस स्कूल के लिए, इस कोचिंग सेंटर के लिए, पूरे समाज के लिए हम लोग काम करते रहे। परिचय? मैं मोहम्मद बद्रे आलम, वार्ड प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 66, माइनॉरिटी चेयर। हमारी उन्नति है, सीट का सारा आगे भी उन्नति हुई है। मानुष्य लाइब्रेरी करा লাইব্রেরিতে পড়ানো বা এই যে উদ্যোগটা যত তাড়াতাড়ি বাড়বে এখানকার মানুষের শারীরিক উন্নতি যতটা বাড়বে, যদি শারীরিক উন্নতি বাড়ে সমাজ ভালো হবে, দেশ ভালো হবে। অর্থাৎ এই লাইব্রেরি যাতে আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ হয় সেই ব্যাপারে আমি বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। শিক্ষা কা প্রতিযোগিতা একটি ইচ্ছা হয় आज नहीं पढ़ा बंद है। आगे सरकारी रूप से उसको माफ़ कर दायु बोले चाहे हम लोग सरकार का एक तालीम बता रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल में
सेवल का निशान से जितना हम लोग रिकमेंड किया था फंड का लिए तो करीब सूर्य से हम लोग जो अप्लाई किया वो हम लोग किए गए लेकिन जो कि पैंतीस फूट था सरकारी कानून का अलग था लेकिन अभी यह हो सकता है अब हो सकता है नहीं होगा इसलिए इलेक्शन का आगे यहाँ पर हम बोल के भी गए लेकिन कौन जाने क्या बाहर जाएंगे तो हमें सोच नहीं थे और हम बोलते थे पूरा फास्ट फंड होगा कि पूरा फंड स्कूल में हम देंगे आप जिसको हम बनाएंगे में 500 लाख का जो स्कीम है स्कूल बनाने के जो ये रिकमेंड करते हैं हम भेज चुकी है आगे वाले यहाँ से सुविधा होगा लेकिन नहीं होते हम नहीं काम लेकिन इसलिए कि हमने भी हम रिकमेंड करके भेज दिए हैं सरकार का पास हमारा मन में बहुत अच्छा था स्कूल का फंड हम सैंक्शन करा के काम शुरू करने का टाइम हम आएंगे मंजूरिया में नाजरीन आज की खबरें बस यहीं तक अपने आसपास की हमारे ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल आदाब आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाए हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर एक बात सभी याद रखे कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें सुंदर परिवेश गढ़े स्वस्थ रहे आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है क्लीन आसनसोल ग्रीन आसनसोल